तमाम देखने वालों को प्रोग्राम का है। तो नाम है प्रोग्राम में अपने बात करते हैं मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से जो के तो हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल इतने सारे हैं कि इसके ऊपर सारा दिन बात की जा सकती है क्या कही मीशत के हवाले से बात होती रही पिछले कई प्रोग्राम्स में मुख्तलि मेहमान ग्रामी यहाँ पर मौजूद रहे बड़ी खुलकर गुफ्तू हुई है बेहतर बनाने के लिए मीशत को मख्तलिफ तजावीज़ सामने आती रही ना सिर्फ इस चैनल पे। तमाम पर तमाम जरा अबलाक पर मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक जितने भी मीडिया या चैनल्स हैं उनके ऊपर आपने प्रोग्राम्स देखे बहुत बड़ी बड़ी तजावीज़ सामने आई लेकिन सारी अलहमदिल्ला बेसूद साबित हुई और होती रहेंगी हाल ये है कि गुज्तर रोज भी कुछ फ़ैसले लिए गए वाम क्योंकि इस वक्त मसरूफ़ है कुरबानी के जानवरों में अजीब वैसे कौम है जानवरों के टक्करे खा खा कर जो है वो खुश हो रहे हैं दिल को बहला रहे हैं ये अजीब एक सिलसिला है बहरहाल ठीक है ये भी ज़रूरी है कीजिए ये भी लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है दूसरी तरफ ये हो रहा है कि मीशत के हवाले से जो फ़ैसले लेने की ज़रूरत है उसके बजाय आई एम एफ़ के प्लान में कैसे दाखिल हो जाए कैसे इस गिरदाब में ख़ुद को झोंक दें फसा लिया जाए इसमें इसके लिए फिक्रमंद है और इसी हवाले से कोशिश की गई एक और शरा सूद में इजाफ़ा किया गया और अभी कुछ देर पहले भी मौजूद मेहमान तशीफ फरमाए, उनसे यही गुफगू हो रही थी कि सात साढ़े सात फ़ीसद अगर कहीं शरा सूद हो तो उन्हें कैसे तरक्की करें और अलहमद जहाँ बाईस फ़ीसद और इससे ज़्यादा हो तो वहाँ तो आप तस्वुर भी नहीं कर सकते और अब ये कि मज़ीद जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं हमारा तो क्योंकि बराह रास्त वास्ता इसी से है कि आम आदमी की जो कुल मईत है वो इसी के गर्द घूमती है उसको इससे कोई गरज नहीं है कि क्या शराय सूद होता है या क्या नंबर्स आप दिखाते हैं ये जो झूठे नंबर्स आप दिखाते हैं आ, उनकी तो सिर्फ आ, जो मैंने अर्ज़ किया जैसे कि कोशिश ये होती है कि किसी तरह सस्ता पेट्रोल उनको मिल जाए या इसकी प्राइसिस में अगर कमी रहे तो ये जो चीज़ें जो जिनकी कीमतों में हर रोज़ इजाफा हो रहा है ये सिलसिला किसी वक्त के लिए थो, थोड़ा ठहर जाए इससे ज़्यादा और इसकी कोई तवज्जो नहीं होती तो बहरहाल अब मज़ीद इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है आई एम एफ़ को भी कि इसके ऊपर भी इंशाल्लाह इजाफ़ा किया जाएगा इससे ख़तः नज़र कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़ हो रही है हम इसको यकीनी बनाएंगे कि किसी तौर पर भी मुल्क पाकिस्तान के रहने वाले लोगों को ये सस्ता किसी सूरत नहीं मिलना चाहिए तो अलहदुल्लह इसके ऊपर भी माह कर लिया गया है और अगर अल्लाह ने चाहा और अगर अल्लाह की तरफ से तो खैर पूरी कोशिश होती है कि बंदे के लिए आसानी फराम की जाए लेकिन अगर ये आपके जो हुमरान हैं इन्होंने चाहा तो आपको किसी तौर पे सस्ता पेट्रोल जो है वो नहीं मैसर आएगा इस बात की पक्की आपको तो यकीन दहानी दी है तो जनाब अब ये कि कर्ज़ लामला दे दिया जाएगा और फिर जिस तरह ये सिलसिले चलते आए जैसे वज़ीर ख़जाना साहब फरमा रहे थे कि अल्लाह मालिक है गुजारा तो हो रहा है तो ये हमारा हाल है कि हमारा गुजारा जब तक हो रहा है जब तक मामला चल रहा है वो चलने देते हैं तो बिल्कुल उस गाड़ी की तरह जो जब तक चल रही है उसको चलने दें जब वो बंद हो जाएगी उसके बाद सोचा जाएगा कि फिर इसके लिए क्या करना है तो ये सारे फैसले मीषत के हवाले से हो रहे हैं सच बोलना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे मैंने कहा कि अब ये वक्त की ज़रूरत है वो कि आप सच सुनना बिल्कुल भी नहीं चाहते और बार बार ये बात दोहराता हूँ कि हमारी जो सेहत है जो बची कुची सेहत है उसको तो बिल्कुल ये सूट नहीं करता कि सच्ची बात इसको सुनाई जाए तो बहरहाल इसके साथ जुड़े दीगर मामलाते हैं इसके ऊपर बात करेंगे बहुत सारे पैगाम मौसू होते हैं और लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर गफ्तु करें मज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशी फर्मा प्रोग्राम ऑलरेडी तखीर का शिकार हो चुका है तो बिला तख़िर मज़द मेहमानों को खुश आंदगा सबसे पहले हमारे जो मजुस मेहमान हैं अखलाक अहमद साहब हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर बेशतर अपने देखते हैं बड़ी अच्छी गुफगू करते हैं और ख़ास तौर पर जो कुछ इस वक्त मौशी सूरत हाल है इसको बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं वो किस तरह इसके हवाले से बात करते हैं एक उन्होंने एक आप समझ लें कि एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है गेयर के नाम से जिसमें जो ऐसे लोग हैं जो बरसर रोजगार नहीं हैं उनको मौाक़े फरहम किए जाते हैं बड़ी तफसील से इस मामले पर गुफगू हो चुकी है आप इसके चेयरमैन भी हैं ग के ट्रस्ट के तो मैं उनको खुश आम देता हूँ अखलाक अहमद साहब को बहुत शुक्रिया जी, जी इक भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए दूसरा हमारे मौजूद मेहमान जनाब अख्तर आरानी साहब माहिर तालीम और आप उनको हमारे साथ प्रोग्राम्स में देखते हैं ये ना सिर्फ तलीम के हवाले से बल्कि दीगर मामला पर भी बड़ी अच्छी गुफगू करते हैं आज एक दफ़ा फिर हमने उनको मदू का रखा उनको भी खुश आंद बहुत शुक्रिया अख्तर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए इख्क साहब मशीर सूरत हाल के हवाले से मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा इसके बारे में अब जानता नहीं हूँ अब यही कहना ज़्यादा बेहतर है मुनासिब भी है लेकिन जो कुछ हो रहा है उसमें बड़ी बेचैनी एक बढ़ती जा रही है और आपने अपने ज़िम्मे काम लिया है इस माशरे को बचा कुछा जो है इसको बेहतर बनाना है बनाने के लिए लोगों को रोज़गार के मौाक़े और ख़ास तौर पर नौजवानों को फराहम कर रहे हैं तो सिलसिला कैसे आगे बढ़ता जा रहा है मैं चाहूँगा जरा इसके ऊपर गुफगू कीजिए जी इसमें दो मॉडल जो हमारे हैं और अभी मैं बलूचिस्तान का एक जी 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 दौरा भी करके आया हूँ <coughs> तो इंटीरियर सिंध में भी हमने काफ़ी सारे चैप्टर खोले हैं कराची में तो हम कर रहे हैं काम कोई बारह पंद्रह साल से तो इंटीरियर सिंध में और फिर उसके बाद बलूचिस्तान के दोनों पार्ट्स में कोयटा से इस तरफ जो सिंध से मिलता है फिर कोयटा से उस तरफ जो शिरानी की तरफ जाता है तो वहाँ पर भी बड़ी गुर्बत है और उसमें एक पॉजिटिव साइन ये है कि हम क्रिटिकल गुफ्तु तो करते हैं लेकिन कुछ पॉजिटिव आस्पेक्ट्स भी हैं बिल्कुल ठीक है और वो पॉजिटिव आस्पेक्ट्स ये हैं कि जितने लोगों से हमारी मुलाकात होती है जो कि चाहे नए शहर में हो या कराची में हो तो लोगों के अंदर जो है ना जज्बे की कमी नहीं नज़र आती है मुझे खासकर अवामनास में जिनके पास कोई ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं ठीक है तो ये एक पॉजिटिव साइन है और वो सत्तर फ़ीसद ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो इन्हीं लोगों पे मुश्तमिल है जिसको आप बॉटम ऑफ द पिरामिड कहते हैं जो 70 सत्तर फीसद साठ से पैंसठ सत्तर फ़ीसद लोग ऐसे हैं तो जब हम इन लोगों के इंटरवेंशन पे काम करते हैं तो इससे आप ये अंदाज़ा करें कि अगर आप उनसे सही तरीके से कोलब्रेट करें हाँ वो पाकिस्तान के ब्रॉडर पर्स्पेक्टिव में भी जब मसाइल की डिस्कशन होती है तो उसके अंदर भी ये नुकता है जो कि हमें यहाँ नजर नहीं आता उस पर मैं एक आध जुमला कहना चाहता हूँ जो अभी आप इंट्रो में कह रहे थे जी, जी. उस पर मैं एक आध जुमला कहना चाहता तो हूँ कि देखें आपकी जितनी प्लानिंग हो कन्वर्सेशन हो डिस्कशंस हो लेकिन जब तक आप उसको एक एग्जीक्यूशन के रोड मैप में नहीं डालेंगे ठीक है तो आगे का जो एक एनर्जी होती है ना वो कौमी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी इंडिविजुअल एनर्जी में भी कन्वर्ट नहीं होगी और कौमी एनर्जी में भी कन्वर्ट नहीं होगा और कुछ कुछ लोगों को कुछ नज़र नहीं आएगा और फिर वो एक मायूसी की कैफियत जो है ना वो फैलती चली जाएगी तो, तो डिस्कशन सारी सो सा अपनी जगह पर है बट लेकिन एक रोड मैप बनना बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू गेट इट डन इस पर चूँकि हम एजुकेशनिस्ट भी हैं तो इस पर एक इंडियन ऑथर ने किताब भी लिखी है और उस किताब का नाम ही है एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन के नाम ठीक से एक किताब है गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी इस पर ठीक है तो ऐसी कारपोरेशन पे उसने बात की है जिसमें एग्जीक्यूशन का कल्चर नहीं होता जी। तो जब तक हम अपनी फिलासफी को चाहे वो है या टूटी है या आधी है पूरी है नहीं है उसको जब तक आप एग्जीक्यूशन की साइकिल में लेके नहीं आएंगे तो उसका रिजल्ट आना जो मुश्किल होता है ठीक इसको अगर मैं पॉजिटिव उससे कन्वर्ट करूँ अभी अभी जो मैं बात कर रहा था कि आपका जो कॉमन मैन है ना अंडर प्रेशर ऑफ लेट्स से अंडर इकोनॉमिक प्रेशर जी वो कुछ करना चाहता है हमारी 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 जो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है उसमें हमें नज़र आता है हम तकरीबन हर महीने एक हज़ार लोगों लोगों की फंडिंग करते हैं अबाउट वन थाउजेंड मशा जी फाइव फाइव हंड्रेड जो है ना वो जकात से करते हैं फाइव हंड्रेड नॉर्मल जो डोनेशन से करते हैं ठीक है और उनको छोटे कारोबार जो है वो फैसिलिटेट करते हैं हम नहीं करते वो कारोबार हम उनको उनकी सुनते हैं वो जो कुछ उनकी एक्सपर्टीज होती है उसको फिर हम उसको कोशिश करते हैं कि उस एक्सपर्टीज़ के तहत वो वो काम करें ठीक है अच्छा इसका जो बॉटम लाइन है वो बड़ा पॉजिटिव है बॉटम लाइन ये है कि हम इसको मेजर करते हैं अच्छा हमारे जो डोनर है ना उसके तहत हम एक पूरा रिपोर्ट बनाकर भी देते हैं जी जी तो अभी हमारे पास लंदन से फ़ोन आया हुआ था कि जी जो हमारे डोनर हैं वहाँ तो उनको जो हमारी रिपोर्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एग्जामिन करते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो मैं चैरिटी कर रहा हूँ आपके थ्रू उसका आर आई सबसे अच्छा है यानी दुनिया में जहां जहां भी वो कर रहे हैं तो जी। पाकिस्तान जी थी। 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 कंट्री जहां वो कर रहे हैं देखिए तो वो कहते हैं उसका रिटर्ण रिटर्ण सोशल आपने अच्छा किया इसकी वजाहत कर तो वो मेजर करते हैं तो हमारे यहाँ चैरिटी तो बहुत होती है लेकिन इस तरह के मेजरमेंट के थ्रू उसकी रिजल्ट को मेजर you know, नहीं किया जाता बिल्कुल लेकिन जो लोग लंदन में बैठे हुए हैं ठीक है राइट वो मसले में है ठीक तो उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है वो कहते हैं ठीक है हम ये फंड तो आपको दे रहे हैं और आप है। अलहमदिल्ला अपने अवाम पे खर्च भी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन वॉट इज़ द रिटर्न ऑफ सोशल इन्वेस्टमेंट फॉर मी बिल्कुल ठीक है तो बेल्कुल वो अभी फ़ोन करके कह रहे थे कि उनके कुछ सवाल भी थे तो बैठ उसको हमने क्लैरिफाई किया अच्छा अब ये जो पॉजिटिव साइड है इसका वो पॉजिटिव साइड ये है क्या आप देखेंगे जो लोग मेहनत करके अपनी अर्निंग करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि उसका एक छोटा सा पार्ट जो है ना आपने वो सदका जारिया के पुल में डालना है बिल्कुल ठीक है और आपको पता है वो रिटर्न रेट हमारे केस में क्या है नाइन्टी सेवन टू नाइनटी एट परसेंट माशा तो ये इसको मैं देखता हूँ कि वो आवाम की जो एनर्जी है आम अवामनास की और वो अपने लिए कुछ पे प्रेशर में या अंडर द इकनॉमिक प्रेशर में वो कुछ करना चाहता है राइट तो वो ये छोटे से मॉडल में हम नजर आता है कि वो, वो कर रहा है अच्छा ये बरत जंग है अब क्योंकि शहर कराची की बात करें यहाँ पर आपने जो जितनी भी लोग हैं उनको मुफ्त की रोटियां और बकरे के कौरमों पे लगा दिया है अब ये जो बड़े फलाई इदारे हैं ये आदि कौम को इन्होंने भिकारी बनाया है अब मैं अभी अगले दिन ये सोच रहा था कि इनको जब ये मुफ्त के रोटी और ये बकरे के कौरमे खिलाने की आदत पड़ चुकी है उनको खाने की आदत हो गई है ये काम की तरफ वापस कैसे आएंगे ये तो जरा फरमाइए क्योंकि आपका बरह रास्त मुकाबला आप एक एक हुँ. अपना ट्रस्ट चला रहे हैं जो ये सब काम कर रहा है बाकी मानदा हाँ, यहाँ पे दर्जन हुँ. भर के हिसाब से ऐसे ट्रस्ट बन गए जो मुफ्त की रोटियाँ यहाँ पे तकसीम कर रहे हाँ, हैं हाँ, तीन वक्त के खाने बहुत आसान से जवाब बहुत आसान से जवाब है उसका सिंपल जवाब है क्योंकि मेरी अप्रोच होती है कि चीज़ों को ना सिंपलीफाई करके एग्जीक्यूशन पे ले जाएं ठीक उससे नतज निकल आते हैं जी असल में ये जो आपकी पॉवर्टी का जो बेस है ना वो बहुत बड़ा है जी तो so, अगर फर्ज करें कोई कुछ कुछ लोग उसमें पोल्यूट हो रहे हैं ना तो स्टिल एक चंक बाकी है कि जो कि और उसमें सिंसियर लोग भी हैं कॉस्ट ड्रिवन लोग भी हैं यू नो कुछ करना भी चाहते हैं तो करने की जो इस सवाल कई जगह पर मुझे पूछा गया तो मैंने बोला भाई हमें लोगों को तलाश करने में कोई मुश्किल नहीं है मुश्किल इसलिए नहीं है कि ये जो बेस है ना आपका ये बहुत बड़ा बेस है जी अभी जैसे मैं बलूचस्तान में गया मैं आपको बताऊँ सच ए ब्यूटिफुल प्लेस मैं आज तो तीस चालीस साल के बाद गया था जी जो के ज़माने में जब मैं जॉब करता था मैं जाता था लेकिन जी, जी, जी। मुझे इतना मज़ा आया ब्यूटिफुल ऐसा लगता है कि आप किसी जर्मनी में ट्रैवल कर रहे हैं पहाड़ दोनों तरफ यू नो अभी तो नहर नहीं बह रही है क्योंकि पानी नहीं है ठीक है लेकिन लोग इंतहाई अच्छे खूबसूरत सेंसियर काम करना चाहते हैं हमने वहाँ भी फंडिंग की हुई है ठीक है और मगर उनके पास रिसोर्सेस नहीं है ठीक है जी रिसोर्स नहीं है अभी मैं आपको एक दो मिसाल से मैं बताता हूँ कि एक साहब हमें मिले तो उनका मट्टी के तीन चार कमरे हैं जो कि अभी बारिश में टूट गए ठीक है और साथ में वो अंदर हमें लेके गए तो उसमें कोई साढ़े तीन सौ थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी अंगूर के दरख्त लगे हुए थे बताइए वो उनका उनका अंगूर अपना का अपना तो है उनका ठीक है उनका अपना है तो और अंगूर जो है ना मुख्तलिफ क़स्म के अंगूर जो हैं वो लगे हुए हैं उसमें और तकरीबन अब एक दो महीने रह गए अब तो आने शुरू हो गए बाज़ार में तो बहुत ही खूबसूरत बाग हो क्या न तो फिर वो कहने लगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं इन अंगूर को पैक करके इसमें कुछ थोड़ी बहुत इसमें मज़ीद चीज़ें डालने की ज़रूरत है वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है और फिर उसको मैं फार्म टू मार्केट में कनेक्ट करूँ ठीक है मैं अपनी तरह से लफ इस्तेमाल कर रहा हूँ फार्म टू मार्केट में कनेक्ट करूँ ठीक है तो मैंने उनसे कहा कि जी आपको कितने पैसे चाहिए होंगे कि, कि, कि जी जिससे आप ये फार्म टू मार्केट में कनेक्ट करके बोले ना उनकी तो मैंने कहा ये साढ़े साढ़े तीन सौ दरफ में से जो अंगूर अगर आपके पास आते हैं तो कितने पैसे आपको बाजार से मिलने के चांसेस कह लेंगे सात लाख रुपए मिनिमम सात लाख रुपए सेवन हंड्रेड था रुपीज़ साढ़े तीन सौ खेतों और अंगूर बहुत है कुछ अंगूर अभी जब जला बारी हुई थी वहाँ तो उसमें वो कुछ कुछ उसमें खराबी भी आई थी, थी थोड़ी बहुत वो भी दिखा रहे थे मुझे वो तो कहने लगे कि जी तो मैंने कितने पैसे चाहिए होंगे आपको तो कहने लगे एक लाख रुपए बताइए आप जरा सा उस बंदे के पास एक लाख रुपए नहीं है और वो जो घर है उसका जो टूटा हुआ था उसने कहा ये मेरा कमरा बनवा दें क्योंकि हमको कंस्ट्रक्शन घरों भी का काम हमने करवा के दिया आपको पहले बताया था जी बिल्कुल तो हमने कहा चलें आपका घर तो ये बन जाएगा कोई बड़ा मसला नहीं फिर मैंने कहा कि कह, अच्छा चलें फिर हम आपको एक लाख रुपए देते हैं ठीक है ठीक है अच्छा अब उसके बाद जो है ना वो एक और ज़मीन पे ले गए अभी एक जी। ऐसे वाक़ हमें बहुत सारे देकर मिले ठीक है ठीक है, है तो एक और ज़मीन पर के गए तो कहने लगे ये देखें ये ज़मीन पर मैंने शायद गंदम वहाँ होता है ठीक है ना इस पार्ट उस पार्ट में अगले वाले पार्ट में जो है ना गंदम होता है और फिर सब्जियां होती हैं ठीक है और फिर ये होता है फल फलों की तरफ थे वो इस तरफ वाले जो सिंध वाले पार्ट में ज़्यादातर राइस एंड गंदम होती है जी तो खैर वो लेके गए और फिर उन्होंने कहा मैंने कहा ये कितने एकड़ ज़मीन होगी तो जिस पर आपने काम किया हुआ है तो हमने देखा कि चार पाँच एकड़ ज़मीन होगी क्या कह लगे ये तो जिस पर काम हुआ हुआ है ना वो चार पाँच एकड़ है ठीक है और आप हद निगाह तक देखते चले जाएँ वो तरफ दिख रही है ना वो वहाँ तक मेरी ज़मीन है ठीक है अच्छा अच्छा मगर मेरे पास पैसे नहीं है रिसोर्सेज़ नहीं है कि मैं उन ज़मीन के ऊपर मैं ना कल्टिवेशन कर सकूँ बताइए तो एक एक साहब मुझे नहीं मिले ऐसे जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ में ये ये जो हमारी लीडरशिप का भी ये मसला होता हुँ। हुँ। है कि जब तक आप ग्राउंड रियलिटीज़ में जाकर खुद चीज़ों को देखते नहीं हैं और जब देख लेते हैं ना तो आपको लगता है तो बहुत आसान काम है कि इस मुल्क में इतनी आप ज़रा सोचें अल्लाह मिया ने कितनी मोहब्बतों से इस मुल्क को क्या क्या नहीं नवाज़ा है बिल्कुल ठीक है ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हल तलब हैं और यकीन हम हमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल हैं लेकिन जब काम करने की नीयत ना हो तो फिर हाँ। कोई भी चीज़ आपके लिए जो है वो आसान नहीं सब महाले और अगर करना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं।, नहीं।, नहीं है ये बात पढ़ते आए अमली आपने तौर पर इसको जो है वो अमला इसको एक्सपीरियंस किया आपको जाकर इसको ख़ुद देखा है मेरा अख्लाक भाई गुफ्तु और मज़दी आगे बढ़ाएंगे मैं चाहूँगा अख्तर भाई को भी शाम गु की जाए अखसर भाई मजीद ये कि अभी तालीम के हवाले से बात है और पूरी दुनिया में मौाक़ फ़राम किए जा रहे हैं लेकिन मैं और आप यहाँ पर रोज़ाना यही डिस्कस करते हैं कि जो बुनियादी तालीम का सिलसिला उसको कैसे बेहतर बनाया जाए और उस हवाले से अब कोई उम्मीद बाकी मेरे पास तो नहीं है क्योंकि जहाँ पर मौशी हालात इस कदर संगीन हो जाएँ तो वहाँ पर इंसान की बात सर्वाइवल पर आ जाती है जैसे अभी अखलाक भाई तस्करा कर रहे थे तो ये सर्वाइवल के तरीके हम ढूँढ रहे हैं फरमाइए मजीद क्या किया जाएगा ज़रा कुछ कहिए जी जी देखिए बेसिकली बहुत ज़बरदस्त बात है और गियर माशाल्लाह काम कर रही है और वाकई बहुत बड़ा स्कोप है जो पावर्टी लाइन है उसके अंदर ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो वाकई चाहते हैं कि हम अपनी दाल रोटी कमाएँ अब एक्चुअली हमारा देखें आपने देखा होगा कि हमारे तालीम के लिए एक बात इस्टेब्लिश है कि बच्चा अगर स्कूल जाएगा ना तो क्या कर लेगा मैट्रिक कर लेगा जहाँ भी कर लेगा दस बारह साल पंद्रह साल तो उसके बाद जॉब नहीं मिलनी वो एजुकेशन ऐसी है नहीं जो लिंक करती हो किसी प्रोफेशन के साथ जी। इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम है कि हमारे पास वोकेशनल एजुकेशन साथ नहीं है क्योंकि एग्री इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अगर हम रूरल एरियाज़ uh, की बात करें या और बन बड़े मेट्रो सिटी से बाहर निकले तो हमें एक साल एक ज़माने में याद आया अपने ही वक्त में कि जब हमने मैट्रिक किया था तो उस वक्त एक आ, कोई टेक्निकल कोर्स होता था या कारपेंटर का कर, कर लें वर्कशॉप होती थी छोटा मोटा जी, एक एडिशनल दा एक चीज़ करनी होती थी और आ, मैं समझता हूं कि हमारे नसाब के अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है ठीक है लैंग्वेज डेवलप करते हैं मगर आप प्राइमरी से लेकर जब प्राइमरी में बच्चा जाता है उसको कोई ना कोई टेक्निकल स्किल सिखाने की कोशिश की जाए काम करने की जब आदत हमारे कॉम में डलेगी तो ज़ाहिर है वो आपने मुख्तलित दस्तर खानों की तरह इशारा कर दिया जब हमें काम करने की आदत नहीं बचपन से डालेंगे तो बच्चा काम नहीं करेगा हालांकि जो पुअर फैमिलीज होती हैं वहाँ पर उनको कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है इसीलिए चाइल्ड लेबर भी बढ़ रही है क्यों ना उसको हम चाइल्ड हुड के अंदर कुछ साथ में स्किल सिखाएं स्किल सिखाना जो है वो इनिगल नहीं है ठीक है अगर आप उसको आप किसी छोटू बना के किसी जगह लगा दें दैट इज़ नॉट गुड ठीक है उसको आप तालीम दें फॉर्मल एजुकेशन आप दें साथ में स्किल सिखाएं ताकि वो किसी सही इंट्री लेवल पे जाके कुछ काम कर सके और अगर वो करेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी जैसे वो एडल्ट होता है एटीन तक जाता है तो वो खुद कमाने का होगा मतलब आप एटीन के बाद पेरेंट्स को वालदेन को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वो बच्चा अपने काम खुद करना करेगा घर में भी अपने काम करेगा केयर ऑफ़ इन्वायरमेंट करेगा केयर ऑफ़ सेल्फ़ करेगा ठीक है और फिर उसके बाद अपनी प्रोफेशनल इनकम जनरेट करना शुरू कर देगा हम बुनियादी तौर पे इनकम जनरेट करना नहीं सिखाते हमने ये जरूर सिखाते हैं कि क्योंकि जब घर में ही झूठ और सब चीज़ें चल रही होती हैं तो वहाँ पर बच्चे को बोलते हैं बेटा ये लेकर आ जाओ अच्छा बच्चे को पैसा देते हैं सौ रुपये लेकर फला चीज़ जाके लेकर आ जाओ बच्चा क्या करता है वहीं से करप्शन शुरू करता है उसको पॉकेट मनी चाहिए अब पॉकेट मनी चाहिए वो नबे रुपए की वो लेकर आता है तो दस रुपए बचा लेता है अपने लिए कुछ ले लेता है तो जब तरीका ही ये ब्रॉडअप के अंदर ये चीज़ें उसको फैसिलिटेट करती करना शुरू कर दी जाए और उसको नॉन स्किल एक फॉर्मल नॉर्मल एजुकेशन दे के बस आपने लकीर का फ़कीर बना दिया उसको बस रट्टा लगवा दिया मेमोराइजेशन कर दी ठीक है क्रिटिकल थिंकिंग पैदा ही नहीं करते बच्चों को हम और फ़िक्र करने की सलाहियत डालते ही नहीं है तो वो बच्चा कैसे क्रिएटिव बनेगा कैसे अपने उन जो अल्लाह ताला ने उनको स्टील स्किल्स देकर दुनिया में भेजा है कोई ना कोई टैलेंट देकर भेजा है हर बच्चा स्टार है क्यों ना उसको यानी कि ऐसी चीज़ें की जाएँ कि वो बच्चा अपने पाँव पर खड़ा होना शुरू कर दे ठीक है ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना हमारे माशरे का ये है कि बुनियादी तालीम पहले तो मदर टंग में होनी चाहिए ठीक है कौमी जबान में होनी चाहिए ये बहुत ज़रूरी है, है ताकि उसको समझ में आए उसके बाद सात प्राइमरी के बाद जैसे ही मिडिल स्कूल स्टार्ट होता है यानी सिक्स स्टार्ट होती है एट दैट टाइम कोई ना कोई तीन साल का एक ऐसा प्रोग्राम हो जो इंटरेस्ट का एरिया हो बच्चे का उसको आप वो कोई भी वोकेशनल टेक्निकल आई टी आजकल तो आईटी बहुत इन है यानी कि उसी वक्त से ये करना शुरू कर दें मैं हमेशा से आपके प्रोग्राम में भी कहता हूँ मैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का प्रेजिडेंट होने के नाते भी मैं ये बात करता हूँ कि टेक्नोलॉजी हमारे क्लासरूम में नहीं आई ये गवर्नमेंट का काम था आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ए के तहत कि वो कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे वो वैसे ही जो भी एजुकेशन है जैसी भी है वो भी प्रोवाइड नहीं कर पाते तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर काम करता है क्लासरूम चेंज ही नहीं हुआ अभी तक अगर आप देखेंगे तो अगर सर और मैं जाएंगे अपने पुराने स्कूल में ना अगर हम चले जाएंगे और वो बिल्डिंग देखेंगे खस्ता हालत में जरूर मिलेगी तो मगर वहाँ कोई बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट क्लासरूम नजर नहीं आएगा कि हमारी दूसरी जनरेशन आ रही है हमारे बच्चों के बच्चे भी अभी आने वाले हैं तो वो वहां पर कोई तब्दीली बड़ी नहीं आई होगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर फिर भी कुछ ना कुछ कोशिश की जा रही है मगर क्योंकि वो भी जाहिर है कि उन्होंने भी प्रॉफिट लॉस देखना होता है तो ये जो सबसे बड़े मसायल हैं एक्चुअली ये हुँ। पॉलिसी हुँ। मेकर्स की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये चीज करे ठीक है फिर आप आईएमएफ के सामने कशकोल लेके खड़े होंगे आपने हडाराम बना दिया सब कुछ फिर माइक्रो लेवल पे कितने लोग आके किसी को ठेला लगा के देंगे किसी को पचास हज़ार देंगे कितने लोग काम करेंगे ये तो बेसिकली जो यानी ब्रॉडअप वर्ड यूज़ करता हूँ हमारी कॉम का ब्रॉडअप ऐसा करना है पॉलिसीज ऐसी हो कि कम से कम और नहीं भाई आपके ही गुलाम सही सियासतदानों के ही गुलाम सही क्यों छोटा मोटा तो काम सिखा दें उसको ठीक है फिर टैक्सेस भी लगा दीजिए तो हमारे पास ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हम यानी कि कि यानी पढ़ी लिखी लेबर बना रहे हैं अनस्किल्ड लेबर पैदा कर रहे हैं कि मैट्रिक इंटर करने के बाद मैं नहीं समझता कि जो बहुत 80 से 90 परसेंट जो बच्चे हैं वो एक पढ़ी लिखी लेबर है कि या तो वो राइडर बन जाएगा या वो बाइकिया चलाएगा या फिर वो कोई डिलीवरी बॉय बन जाएगा अगर वो बाइक वाइक कोई पेरेंट्स की है और लेके दिया हुआ है तो फिर वो मजबूर होकर बेचारा वो काम करता है और सारा दिन की खज्जल खुआ है सारा दिन परेशान होता है या अगर आप देख लें वही बात है बहुत से लोगों के पास वसाइल नहीं है अब एक तो ये वसाइल होते हैं दूसरे वो स्किल्स होते हैं मैं भी उसको भी एसेट्स कहता हूं। अगर भी भी हुनर किसी के पास आ जाए आपने हुनर दे दिया समझ लो आपने उसको एक छोटी सी नौकरी दे दी बिल्कुल और अगर आप उसको हुनर नहीं देंगे तो फिर आपने उसको कुछ भी नहीं किया बेरोजगार बना दिया आपने और ऐसा बना दिया कि वो कशकोल लेके ही घूमेगा दस्तरखान पे ही जाएगा लोगों की तरफ मांगेगा उसके हाथ आपने यूं कर दिए जब हाथ यूं हो गए जब हाथ यूं होंगे ना यानी कि उसको यूं उंगलियां चलाना सिखाएं हाथ आ, मतलब काम करना सिखाएं वो ज़्यादा बेहतर है बजाय आज के उसका हाथ यूं करें बिल्कुल ये बात बिल्कुल ये बिल्कुल सबसे बड़ा है अच्छा इसमें हमारे पेरेंट्स का भी क्योंकि एज ए इंडिविजुअल एज अ इंडिविजुअल बींग अ पेरेंट क्योंकि पाकिस्तान में पेरेंट का बड़ा पेरेंटिंग का बड़ा फगदान है क्योंकि जहाँ पर तो बेचारे सादे लोग होते हैं पुअर क्लास होते हैं या हमारे वो वहाँ पर भी पेरेंटिंग एक चली आती थी नस्ल दर नस्ल जब जॉइंट जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था तो वहाँ तो वो गुट्टी जो देती थी दादी नानी तो वो बच्चा पालना भी वही सिखाती थी, थी और इन इब्तदाई जो ब्रॉडअप होता था शुरू में दो चार बच्चों का वो बच्ची को तो कोई को सोलह साल पंद्रह साल में ही शादी हो जाती थी और उनको पता ही नहीं होता था पेरेंटिंग इस तरह सीखी जाती थी मगर बाद में क्या होता है कि हमारे पास जब हम फैमिली सिस्टम टूटा है तो उसके बाद मसाइल काम बाहर लग गया बिल्कुल ठीक अब हम पढ़े लिखे लोग हैं पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करेंगे तो बड़े मसाइल होंगे पेरेंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है एज ए इंडिविजुअल हमने अपने बच्चों को वैल्यूज़ देनी है अपने बच्चों को काम की आदत डालनी है बेशक हमारी कितनी भी इनकम क्यों ना हो मगर फिर भी हमने अपने बच्चों को काम करने की आदत डालनी है वरना यह है कि वो हम पर ही डिपेंड करेगा हम खुद बेसाखियाँ पकड़ा दें कुछ तो सिस्टम कुछ ऐसा वज़ा कर दिया है ना जैसे आपने कहा कि हम चाहते भी यही हैं कि बच्चे हम पर डिपेंडेंट रहे और हमारा मैं क्या कहूँगा मैं बड़ी तल्ख बात करने लगाऊँ तो वो यकीनन लोगों को अच्छी नहीं लगेगी लेकिन ये जैसे अख्तर भाई ने अभी निशानदाही की है कि वो ये तरीका ऐसा है कि कुछ कर तो बहरहाल अब करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है लेकिन उम्मीद बहुत थोड़ी है लेकिन ये कि जब तक ये बुनियादी चीज़ें नहीं होंगी आखिरी बात मैं चाहूँगा ज़रा अखलाक भाई वक्त क्योंकि हमारे पास जो ख़त्म हो गया जी क्या कहना चाहेंगे देखिए फिर मैं इसमें एक पॉजिटिव पहलू जरूर निकालता हूँ ज़रूर कीजिए और मैं भी हैरत की तरफ भी जाना हुआ हंड्रेड ट्वेंटी फाइव के वाक़े से मैं आपको एक पॉजिटिव पहलू बता सकता इसको मैं ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग है हम क्या कर रही है वो भी जी, जी तो पॉजिटिव पहले यह कि एक, एक स्कूल ने मुझे इनवाइट किया जो पाँचवीं जमात तक का स्कूल जी, तो हमारे जो एक ऑफिसर है वहाँ उसको रन करते हैं वो अलिमद्दीन है जी, जी, यंग लड़का है प्रिंसिपल है मैं उन जी, 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 चार पाँच बच्चों की ना बच्चों की तकरीरें कराई उन्होंने ठीक है और मैं हैरान रह गया हूँ बच्चों की जो वो तकरीर सुनकर माशा इतनी सलीस उर्दू माशा और इतनी बेहतरीन अंग्रेज़ी में उन्होंने तकरीर की पांचवी जमात या छठी जमात तक के बच्चे थे माशा ठीक है तो मुझे जो कहते हैं ना ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साहब की राइट तो ये पॉजिटिव हो तो मैं आपको उस दूर दराज रिमोट एरिया की बात बता रहा हूँ मैं कराची की बात बता रहा हूँ दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जो बच्चे हैं जो बच्चे और बच्चियाँ हैं अगर आप उनको किसी एक्सपीरियंशल लर्निंग पे लगा दें जैसे हम लगाते हैं ठीक है वो बिल्कुल डिफरेंट साउंड करते हैं बिल्कुल तो यहाँ से जो अख्तर साहब ने जो बात कही ना कि वो वहाँ से निकल के आ रही है वो कि अगर आप उनको एक प्रैक्टिकल साइट पे लेके जाएं बच्चों थीक को ठीक है ना वो जो बच्चों को लेके जाएं तो उससे उससे जो है ना उनकी उनकी जो सलाहियतें जो है ना वो उजागर होने शुरू उजागर होना शुरू हो जाती है इखलाक भाई दिल तो करता है मजीद इस मामले पर गुफ्तु की जाए लेकिन वक्त की कमी जो है वाड़े आ रहेगी मैं बड़ा शुक्र गुजार हूँ आपका क्या प्रोग्राम में वक्त दिया अख्तर भाई आपका बड़ा शुक्र गुजार हूँ मुख्तर वक्त में बड़ी अच्छी गुफगू आपने की सेगमेंट अब तक तकरीबन अपने अख्तितम को ब्रेक की तरफ जाना है ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जो आपके सेहत के हवाले से जारी रहेगा देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची